लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। राज्य के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने आज नवी मुंबई का दौरा किया और पुलिस आयुक्त विपिन कुमार सिंह से मुलाकात कर नवी मुंबई की कानून व्यवस्था और विभागीय कामकाज का जायजा लिया। उन्होंने इसे रूटीन दौरा बताते हुए कहा कि नवी मुंबई पुलिस की ताकत बढ़ाने जल्द भर्ती करने की तैयारी है। इस दौरान गृह मंत्री को महाविकास आघाड़ी दलों के महिला पदाधिकारियों का गुस्सा भी झेलना पड़ा। महिला पदाधिकारी मनसे नेता गजानन काले की जल्द गिरफ्तारी के लिए गृह मंत्री से मिलना चाहती थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें मना कर दिया। इस दौरान काफी देर तक माहौल गरमाया रहा। देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने आज नवी मुंबई पुलिस मुख्यालय का दौरा किया और आयुक्त विपिन कुमार सिंह से मिलकर कानून व्यवस्था का जायजा लिया। गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने पुलिस मुख्यालय विजिट का ब्यौरा देते हुए कहा कि नवी मुंबई पुलिस का कामकाज, कानून व्यवस्था, विभागीय समस्याएं और शासन के पास लंबित पड़ी विभिन्न जरूरतों को पूरा करने के संदर्भ में यह दौरा था, जिसे लेकर चर्चा हुई। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि नवी मुंबई पुलिस की ताकत बढ़ाने जल्द ही नई भर्तियां की जाएंगी। आइए सुनाते हैं उन्होंने और क्या कुछ कहा। कैसे है कि आज जो नवी मुंबई कमिश्नरेट को जो मैंने विजिट किया, उसका एक ही कारण है कि सब उनके परिस्थिति का जायजा लेना, उनकी क्या क्या समस्या है वो समस्या जान के लेना, उनका कामकाज कारोबार कैसा चल रहा है इसके बारे में जान कर लेना, और गवर्नमेंट के पास इनके जो कुछ प्रपोजल्स हैं पेंडिंग है वो तो प्रपोजल्स के लिए थोड़ा स्पीड देने के लिए, गति देने के लिए कोशिश करना, इसी कारण से। और सभी के सब बहुत प्रश्न होते हैं, वो प्रश्न सिर्फ कागज़ पे लिखकर नहीं हल होते, लेकिन चर्चा से ज़्यादा उसमें एक इनपुट मिल जाता है। नवी मुंबई की लोकसंख्या जो बढ़ रही है, उसके हिसाब से जो पुलिस बल है मुंबई में वो निश्चित रूप से कम संख्या में है, इसकी आगे और बढ़ाने की ज़रूरत है। और इसके बारे में कमिश्नर साहब एक प्लान तैयार करके स्टेट को भेजेंगे, इसके पहले भी कुछ भेजा हुआ है, तो उसके बारे में आज जो चर्चा हुई उसके साथ हम निर्णय करेंगे। महिला पदाधिकारी मनसे नेता गजानन काले की जल्द गिरफ्तारी की मांग के लिए गृह मंत्री से मिलना चाहती थीं, लेकिन पुलिस ने उन्हें मना कर दिया, जिससे कहा सुनी हो गई। हालत यह रही कि पुलिस को रैपिड एक्शन फोर्स बुलानी पड़ी। शिवसेना के जिला संगठक रंजना शिंत्रे ने कहा कि गजानन काले के खिलाफ उनकी पत्नी संजीवनी काले ने घरेलू हिंसा, उत्पीड़न और शोषण के खिलाफ FIR दर्ज कराई है, लेकिन अभी तक पुलिस ने उसे गिरफ्तार नहीं किया है। उन्होंने कहा कि गजानन काले की तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए। आज आम्ही महाविकास आघाडीचे मंत्री माननीय पाटील साहेबांना, वळसे पाटील साहेबांना भेटलो। हा विषय असा होता की गजानन काळे त्यांच्या ते जे त्यांच्या बायकोवर गेली, तेलावशा आणि अत्याचार करत आहेत, त्याच्यासाठी तिने आवाज उठवला होता। त्या पोलीस स्टेशनला गेल्या होत्या, गेले 4-5 दिवस ती पोलीस स्टेशन किंवा पत्रकारांशी सगळ्यांशी बोलत आहे, तरी अजूनही गजानन काळेंना अटक झालेली नाही। अल्ट्रासिटीचा गुन्हा दाखल केला आहे म्हणून पोलिसांनी सांगितलं, पण अजून अटक झाली नाही। आणि ती घाबरलेली आहे, संजीवनी गजानन काळे ही आहे ती खूप घाबरलेली आहे, आणि तिला आत्ता सध्या सपोर्टची गरज आहे, आणि तिला सपोर्ट करण्यासाठी आणि तिला न्याय मिळवून देण्यासाठी आम्ही आज मंत्री महोदय नवी मुंबईत आले होते। इस पर गृहमंत्री ने जहां न्याय का भरोसा दिलाया, वहीं पुलिस आयुक्त विपिन सिंह ने कहा कि मनसे नेता गजानन काले फरार है, फिलहाल उसकी तलाश चल रही है और जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी। आइए सुनाते उन्होंने क्या कुछ कहा। आणि आमची जोनल पोलीसचे पण टीम आहे, प्रशासनची DCP जोन वन स्वतः त्याच्यामध्ये लक्ष घातलेलं आहे, त्यांना सूचना आम्ही दिलेलं आहे, आणि आपल्या क्राईम ब्रांचचे टीम पण त्या शोधत आहेत, जे काळे जे त्याच्यामध्ये आरोपी आहे, आणि त्यांना आम्ही लवकरच अटक करणार आहे।
ते थोडासा मोबाईल वगैरे बंद करून कुठेतरी लाहे, पण ते आम्ही त्यांना अटक करणार आहे लवकरच. आमचे प्रयत्न चालू आहे, कारवाई होणार आहे आणि नियमाप्रमाणे जेवढं तपास कसं करायचे काय काय आपल्याला करायचं सर्व सर्व करणार आहे. ब्युरो रिपोर्ट, टीव्ही वन इंडिया.